अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इसमें दो दिन के सहरी और इफ्तार ऐड करने की कोशिश करी। बेशक आप लोग वहाँ सहरी में जल्दी उठ जाते होंगे, तो आप कोशिश करिए तहज्जुद की नमाज़ अदा करें। अल्लाह ताला उस नमाज से बहुत खुश होते हैं अपने बंदों से, इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप सब नमाज पढ़ेंगे। और ये है सहरी की दुआ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब देखिए 9 o'clock एग्जैक्टली। सो अभी लगाना पूरे सो रहे, ठीक है। आज स्कूल नहीं है ना, इसलिए। और मैं रात में किचन के पूरे बर्तन वॉश करके सो गई। देखिए धूप माशाल्लाह बाहर। मैं नहीं सोई, मुझे नींद नहीं आ रही है। यहाँ जो है हमारे बड़े बेटे हैं ना, यासीन और पहला पारा पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसे पढ़ने लिखने वाला बनाए, दीन और दुनिया की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये देखिए मेरे जो जले हुए भगोने हैं ना वो, और आज का है ये, और ये पूरे राइस कुकर और सोप, इसके अंदर भी एक्स्ट्रा है, ऑलमोस्ट डजन के ऊपर है। और इजी तरीका है, देखिए मैं बताती हूँ। ये ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा दाग लग चुका था और घिसने से नहीं जा रहा था, ये अब इजीली निकल जाता। मैं धूप में रख दूँ, इससे पहले खाली एक था। खाली हाथ से निकल जा रहा, अब घसने लगा तो और इजीली निकल जाता, ठीक है। मेरी भूलने की प्रॉब्लम से ये हो रहा, ठीक है। अब मैं इसको वॉश कर लूँगी, क्लीन हो जाता इंशाल्लाह। ये मैं आज ना सुबह में फजर के बाद नमाज पढ़ के सहरी तो हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, उठ तो गई थी मैं 3:30 बजे कुछ। अब मैं देखो बहुत सारे कपड़े हैं, फिर से मैं इतने कपड़े धो रही तो भी फिर कपड़े आ रहे, और ऑलरेडी इसमें भी वॉशिंग मशीन के कपड़े हैं और यहाँ पे भी कपड़े ड्राई हो रहे। अभी तो मैं आप लोगों को भगोनों के बारे में बताई। प्लीज़ आप सब दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला मेरी जहन तेज़ करे और भूलने की बीमारी दूर कर दे मेरी, ठीक है इंशाल्लाह। देखिए फजर में मैं पूरा वॉश करी थी आंगन, और अभी कपड़े धुल रहे हैं। आज पहला रोज़ा है, काम है, करना तो पड़ता है। और ये लगी हमारी कूलर, मुझे यहाँ लगा दिए, बहुत ठंडी हवा आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा लग नहीं रहा है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का लाखों करोड़ों एहसान है हम सब बंदों पे, कि इतनी गर्मी में, शदीद गर्मी में भी जो अल्लाह मेहनत कर रहे हैं उनको अल्लाह ताला हम सब को, हम भी मेहनती है, रहमत और करम की नज़र अता फरमाए, हमसे राज़ी हो जाए। आमीन। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़े बहुत टाइम हो रहा है 4, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बनाना इफ्तार। और ये है चने की दाल और माश की दाल। मैं चने की दाल उबालूँगी, जो रमज़ान स्पेशल में इंक्लूड है ये भी, चने की दाल उबली हुई, और सब कुछ डलता है उसमें, मैं बता दूँगी आप लोगों को। और ये है माश की दाल, इसके मैं भजिया बना दूंगी। और ये है गोश्त, इसके मैं कोफ्ते बना दूंगी इंशाल्लाह। सोची तो भिंडी का शेरवा, लेकिन फिर बच्चों की डिमांड है कि आप कोफ्ते बना दो मम्मा, तो मैं कोफ्ते बना दे रही हूँ। मैं डेली व्लॉग शेयर नहीं कर सकती, बहुत टाइम लगता है एडिटिंग के लिए, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं, ठीक है। और मुझे नमाज भी पढ़ना है। मैंने एक वॉश कर दी, इतना ही साफ़ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, फिर और एक बार वॉश करे तो सही हो जाता। अभी एक वॉश कर रही हूँ, ये इजी तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा घसने की ज़रूरत नहीं पड़ रही इसको, ठीक है। मैं क्लीन होने के बाद बताई ना, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पूरा था, ये ज़्यादा था ज़रा, अब ये तो भी थोड़ा कम है। आप सब दुआ करिए मेरे वास्ते कि मेरा जहन सही हो जाए, कि मुझे कोई चीज़ याद रखूँ। ये है कोफ्ता, और ये है कोफ्ता का मसाला, और ये है ज़ीरा राइस, ये है आलू के भजियाँ और माश के वड़े, और ये है दाल, और
पर्पस, और यहाँ है खजूर, ठीक है, और वाटरमेलन और बनाना। इफ्तार के वक्त जो है मैं आप जो दुआ करते पहले मैं भी वही दुआ करती हूँ, अल्लाह मलका संतो, और ये दुआ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह हम सब की रोज़ों को कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। मगरिब की नमाज़ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कूलर की आवाज़ से मेरी आवाज़ थोड़ा कम आ रही है, ज़्यादा आ रही पता नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तरावी की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, तो मैं बैठी हुई थी। अब शायद मेरे ख्याल से टाइम क्या हो रहा सोफिया, 9:30। मैं इशा की अज़ान के साथ इशा की नमाज़ भी पढ़ ली, तरावियाँ भी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मैं बैठी थी अरबी ले लेके जो मुझे पढ़ना था सबक, इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ। और जहर में मैं पहला पारा कंप्लीट हो गया आधा, और आधा इंशाल्लाह कल पढ़ूँगी। और ये है, मैं दीवान खाने में बैठी हुई हूँ। दुआ में ज़रूर याद रखिए आप सब मुझे, मैं भी इंशाल्लाह हम सब के लिए दुआ करूँगी। अल्लाह हमारी औलादों को नेक बनाए और आँखों की ठंडक बनाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पे चलने वाला बनाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हम तमाम की जायज़ दुआएं कबूल फरमाए अल्लाह सुब्हानहु व तआला, और आप सब दुआ में याद रखें। मैं 9:30 सोच रही थी, 9:26 को अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया था मेरा तरावी। किसी को भी फोर्स मत कीजिए कि 20 रकात ही पढ़े, 8 रकात भी पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। रोटी, भेंडे, चाय, देखेंगे इंशाल्लाह आगे जो भी है। ये सूफिया याद करना है बल्कि लिख लिए थे माशाल्लाह, तो मैं किचन में रख लेके जब टाइम मिला, जब उन्हों भी पढ़ रहे और जब टाइम मिला जब मैं, और बेशक जिक्र अस्कार भी हो जा रहा, और नाम मुझे बहुत शौक है अल्लाह के 99 नाम्स याद कर लूँ। अब मैं देखिए सहरी की प्रिपरेशन भी हो रही और नामा भी पढ़ लेना है इंशाल्लाह याद हो जाए, बल्कि दुआ करिए आप लोग। अर्रहमान अर्रहीम अल-मालिक अल-खुदूस अस्सलामु अल-मुमीन अल-मक, उसके बाद मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगी। एक रोटी बन गई और एक दल रही, और यहाँ पे बेटी बन चुकी है रोटी, और ये बेलेदारी, और यहाँ है रोटी पेड़ा, ठीक है। मैं देखिए बाहर अभी 4:40 कुछ हो रहे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बर्तन धो रही हूँ, ठीक है, उन का सहरी हुआ है तो अब मैं वॉश कर रही हूँ। बेशक नीयत पे हर चीज़ दारमदार है, और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप लोग डेली अपनी नियत करेंगे सहरी की। बेहतरीन तरीका है कि आप दुआई पढ़ लो सहरी की, तो जो मैं आप सब के लिए मैं शेयर कर रही हूँ हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में। अभी 5:20, ये तो फास्ट है, एग्जैक्टली 5 हो रहे हैं या 5:05 हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे बर्तन धुल गए और मैं बना रही हूँ लेफ्ट ओवर खाने से छोटे छोटे बढ़िया इन प्लेटों में, और रख दूँगी धूप में सूखने। जज़ाकअल्लाह, ये दूध की पैकेट यूज़ करूँगी मैं। पूरे बिस्तर देखिए यहीं सो रहे, और एक कूलर की हवा ना इतनी ठंडी है, पूरा कूलर की वजह से हॉल में भी ठंडा हो जा रहा, और मैं ये डालने जा रही हूँ कुत्ते को। अल्लाह का करम है, करोड़ों एहसान है, सैरी हो गई, और कुत्ते का जागीर
खा लेता हूँ यहाँ पे। लॉक है गेट, आसमान और मेरे कपड़े, और है वॉशिंग मशीन में कपड़े जो खंगाल दी है, ड्रायर में रख दी, रात में सुखाना भूल गई, कल दिन में डाली थी ना दोनों। चलो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह लेके जाने वाले, अभी सोचते थे कि एक जने सो रहे, आपको शायद वो कूलर की आवाज़ से मेरी आवाज़ कम आ रही। ठीक है, वापस ये मैं डाल दी प्लेट्स पे, और अब यहाँ पे भी मैं पुट ऑन कर रही हूँ, जैसे भी शेप आया चलता, सूखने के बाद तलने का अच्छा। ठीक है, आप भी ट्राई करें, मैं तो लेफ्ट ओवर खाने से बनाई, देखा गया तो मैं हमेशा चावल रह देना उसको मैं पीस लेती हूँ भिगा के, सेम दोसों के आटे के जैसा, फिर उसके उसको अच्छे से गर्म पानी करके पकाती हूँ। मैं अभी कंटिन्यू करती हूँ बाद में, मुझे नींद भी आ रही, इट्स ऑलमोस्ट 7। हमारे बच्चे को, छोटे वाले को स्कूल है, तो उनका 6 o'clock से 8:30 तक है, उन्होंने चले गए, अभी टाइम 7:30 हो रहा। कहीं कुछ हो गए थे क्या? तो स्कूल को नहीं जाने के लिए आपकी कसम, आपकी कसम, बम लगाओ, मैं बम था ना, बहुत दर्द है, मैं बम था ना, बम लगाओ, मैं बहुत दर्द हो रहा है, बम लगाओ, लेके जाना था। वो करेले में डाले से पाउडर मैं बोली थी ना बनाऊंगी बोल के, वो है, और इंशाल्लाह मैं ये शेयर करती हूँ दूसरे ब्लॉग में। धुल के फोल्ड भी हो गए, और इसमें मेरे नमाज के उंगलियाँ 1, 2, 3, 4, 5, और एक जो है मैं पहनी भी हूँ ये वाला लाइट ग्रीन, अच्छा है माशाल्लाह, ये मेरे को अम्मी दिए, और ये है अल्लाह के नामा। ये जो है मैं काम करते करते पढ़ने के लिए मेरे लिए आसानी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और सूरह रहमान भी याद करना चाह रही हूँ मैं इंशाल्लाह, और आप दुआ करिए कि मैं हिफ्ज तो नहीं कर सकती हूँ, कोशिश करूँगी इंशाल्लाह मैं, और जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये आज 2nd रोज़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, लाख लाख करोड़ों शुक्र है। और देखिए जिक्र और अस्कार अल्लाह के करते रहिए, आप सब भी दुआ में मुझे याद रखिए, और तरावियाँ पढ़िए, और कुरान पाक भी रोज़ एक आधा पारा पढ़ लीजिए, कोशिश करिए एक पारा पढ़ने की, 30 दिन में 30 पारे हो जाते हैं, मैं कल पूरा कंप्लीट हो गया, खाली एंडिंग का थोड़ा जो है वो एक थोड़ा वो भी कंटिन्यू करके आज एक कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह, आधा घंटे में तर्जुमा, बगैर तर्जुमे के पढ़े तो आधे घंटे में हो जाता इंशाल्लाह। आप लोग कोशिश करिए पढ़ने की, और तरावियों की पाबंदी करिए, दुआ में ज़रूर याद रखिए इंशाल्लाह, मैं भी हम सब के लिए दुआ करूँगी, अल्लाह हाफिज़। और मैं ये 50 नाम याद करने के वास्ते, बाकी के इंशाल्लाह। ये डो लुक में बन रहा इंशाल्लाह इफ्तार में, 2nd इफ्तार, आज दाल भी उबाल रहे हैं और दही वड़े लुक में इंशाल्लाह, और ये सोया चंक्स सामान बोल रहे हैं मैं बना लेती हूँ, ठीक है इंशाल्लाह बनाने के बाद। हम छोटे भगोने में डाले तो फूल के बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे, मतलब फूल रहे नहीं थे उसमें, तो इसलिए बड़े वाले आटे के लगन में डिश में निकाले, फिर अब ये ऑयल इसमें गर्म होगा, उसके बाद इसमें मसाले, और वहाँ पे लुकमी बन रहा इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ट्राई करेंगे घर पे, एक बार तो भी ट्राई करिए, बहुत इजी वे है, आटा जो है मैदे का है, और खीमा आलू तो फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा यमी थे माशाल्लाह, आप ट्राई करिए ज़रूर एक बार। और ये इस्लामिक कुछ
चल रहा था प्रोग्राम तो बच्चे देख रहे लगा के, और ये मेरा बेडरूम था। मेरे पास देख रहे हैं एग्जैक्टली 6 हो रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंप्लीट। चलो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बन गए दही वड़े और उबली हुई दाल। ये प्याज मैं लुकमी के साथ खाने के लिए कट करी, और ये अमान बना लिए, पता नहीं क्या है ये। वो जो सोया चंक्स का मैं बनाई थी ना, उस टाइप में कुछ बना लिए उन्होंने, रोटी बना ले रहे पराठा उसके साथ, और उसके साथ थोड़े बहुत फ्रूट्स कट कर लेंगे। हो सका तो मैं बताऊंगी इफ्तारी का, ये तो बता दी मैं दस्तखान बिछने के बाद, अगर नहीं तो आई एम सॉरी। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, इफ्तार की ज़रूर भूलना नहीं। इंशाल्लाह आप सब मुझे दुआ में याद रखिए, मैं आप सबको दुआ में याद रखूँगी, हम सब के लिए दुआ करूँगी। अल्लाह हाफिज़। और एक बताना भूल गई, इसमें बन रहा शेरवा, इसमें पकड़ी चावल, ठीक है। और मुझे उर्दू ठीक से बात करने नहीं आती, आप लोग समझ जाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ हम नमाज़ पढ़ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक हर चीज़ पे खातिर मेरा रब है। आप ये क्लिपिंग ज़रूर पढ़िए, और कुछ दुआएं हैं आप उन दुआओं को भी पढ़िए। मेरे को डालना है क्या वहाँ पे रख के? है दूसरा बना ले। जज़ाकअल्लाह फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, दुआ में याद रखिए।